इसी धर्म की संस्थापना के लिए और राक्षसी प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए श्री राम अयोध्या की सीमा के बाहर निकल गए, बलकल वस्त्र धारण किए हैं। बलकल वस्त्र, त्याग, तपस्या, तीक्षा। और हम राजाओं का इज्जत और मान करते हैं भारतीयों। कोई बड़ा नेता आ जाए तो माला की झड़ी लगा देते हैं, लेकिन किसी नेता के पैरों में अपना माथा नहीं रखते। लेकिन अगर कोई फटे पुराने वस्त्र, उलझे हुए बाल, पैरों में बीमारियां, ऐसा कोई तितिक्षु महात्मा हमें दिखाई देता है, हमारे पास आयोजन नहीं होता, पूजा का, अर्घ का, पुष्पमाला नहीं होती, पर दौड़ के अपना गर्व से भरा माथा उन चरणों में धर देने में अपना सौभाग्य अनुभव, सौभाग्य अनुभव। हमने अमीरी को कभी पूजा नहीं, हाँ हम गरीबी के विरुद्ध लड़े जरूर, क्योंकि गरीबी को प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिए। बात अमीरी और गरीबी की नहीं है, बात हृदय की फकीरी की है। क्योंकि साधु महात्मा चलता फिरता तीर्थ है, जंगम है, तरता चलता फिरता तीर्थ, उसको जंगम बोलते हैं। आपका मोबाइल चलता फिरता, आप कहोगे दीदी माँ मोबाइल के पीछे पड़ी रहती, मैं ज़्यादा पीछे नहीं पड़ती हूँ, उसके बिना किसी का गुजारा नहीं है। लेकिन वो नन्हे बालक जिनको पता नहीं कि लेना क्या है, जिनको अभी मालूम नहीं ग्रहण क्या किया जाना चाहिए, उनके लिए थोड़ी मुझे चिंता होती है। तो मैं निवेदन कर रही थी आपसे कि अब भगवान जा रहे हैं ना, तो वो संतों के आश्रमों में प्रणाम कर रहे हैं, संत उनका दर्शन करके धन्य हो रहे हैं और सब लोग आनंद में हैं। यमुना जी का पूजन किया, राम लखन सिया सहित और यमुना का पूजन करके मुदित मन है। मुदित मन ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ी संपत्ति है बंधुओं। मुदित मन, आपका मन मुदित है, आपके मन में प्रसन्नता है, आप जो कर रहे हैं वो आनंद में कर रहे हैं। तो ये जो मुदित मन है ना, ये ईश्वर का प्रसाद है। क्योंकि मन अवसाद में होता है ना, तो मुस्कुराहटें छीन लेता है, आनंद छीन लेता है, नृत्य छीन लेता है, गीत छीन लेता है। इसलिए मन का मुदित होना बहुत जरूरी है। और मुदित मन तब होता है जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, उनके चित्र का दर्शन करते हैं और उनके चरित्र का चिंतन करते हैं। तो धीरे 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 हम में सात्विकता, पवित्रता, हम में त्याग की भावना प्रबल होती जाती है। और भारत में एक बहुत सुंदर परंपरा है, ग्राम, जितना ग्राम में आप जाओगे ना, वहाँ परिचय लेने देने का भाव होता है। और आप जैसे जैसे नगरों में, महानगरों में जाओगे, आपने एक दृश्य देखा होगा, पुराने जमाने में हम लोग ट्रेन में चलते थे जनरल डिब्बे में, है ना, जनरल डिब्बे की रौनक बड़ी जबरदस्त होती है। समोसे बेचने वाला आ रहा है, छोले पूरी बेचने वाला आ रहा है, लोग अपने कनस्तरों पे चढ़े बैठे हैं, जो अपनी पोटली में से बांध के लाए हैं वो स्वयं ही नहीं खा रहे, आसपास वालों को भी बांट रहे हैं, परिचय लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, मित्रताएँ हो जाती हैं और दूर की रिश्तेदारियाँ निकल आती हैं। और फिर उसी ट्रेन में आप सेकंड क्लास के डिब्बे में जाओ, और फिर उसी ट्रेन में आप फर्स्ट क्लास के डिपार्टमेंट में जाओ, कंपार्टमेंट में, तो वहाँ चुप्पी सधती चली जाती है। और अगर आपने जहाज में यात्रा की होगी तो लोग फटाफट किताब खोल लेते हैं और अपने मुंह पे धर लेते हैं, ताकि बगल वाले का चेहरा देखना ना पड़े। अगर ये सभ्यता है तो धिक्कार है ऐसी सभ्यता को। और अगर अगर वो गंवारपन है जहाँ मित्रता है, जहाँ सौहार्द है, जहाँ हंसी है और जहाँ एक दूसरे का परिचय लिया दिया जा रहा है, उस गंवारपने को भी मैं शीश पे धारण करती हूँ, जो व्यक्ति को व्यक्ति नहीं रहने देता, समष्टि बना देता है। हम इतने बड़े हो गए कि हम खो गए, हम इतने बड़े हो गए। अगर ये सभ्यता है, अगर ये सभ्यता है तो फिर बाकी क्या होगा, अगर आप इसको सभ्यता कहते हो।
मेरा गांव, मेरा देश, मेरा समाज। दिल दुखता है ना, अभी उड़ीसा की घटना हुई, हम सब व्याकुल हुए ना। अभी दिल्ली में एक बिटिया साक्षी को एक पापी ने गोद गोद के मार डाला, हम भी रोए ना, हमारा रोम रोम भी द्रवित हुआ ना। यही जीवन का सच है, कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई। चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई, हर घटना मुझ में घटती है, मैं सबका मानस विलास हूँ। सात स्वरों की बांसुरिया में कहीं हंसी है कहीं रुलाई, जग मुझ में हंसता गाता है, मैं सबका मानस मंथन हूँ। चाहे कोई जगे योग से, समझो मैं संयुक्त हो गया, कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई। इस फैले चेतन कानन में पादप कोई नहीं अकेला, सुख दुख के ताने बाने में सब सब से अंतर गुंफित हैं, मुझ में ही सब होती हलचल, मुझ में ही सब लगता मेला। हर पनघट मेरा पनघट है, हर गागर मेरी गागर है, ले कोई भी स्वाद अमृत का, समझो मैं संयुक्त हो गया, कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। ये मेरी बाहें, ये मेरी बाहों का फैलाव बड़ा नहीं है, मेरी चाहें नन्ही हैं, पर इसमें पूरे आसमान को अंतरिक्ष को बांध लेने की सामर्थ है। मैं अपनी नन्ही चाहों में बांधे हूं आकाश असीमित, मैं अपनी नन्ही चाहों में साधे हुए विराट अपरमित। कोई शुभ संकल्प उठे तो मेरे प्राण चहक उठते हैं, मेरा अणु व्यक्तित्व मगर लगता मुझ में अस्तित्व समाहित। कोई पंछी उड़े गगन में जैसे मैं ही उड़ूं अबाधित, कोई मिले जीवन को उत्सव, समझो मैं संयुक्त हो गया, कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ। सुनिए, विराट होके ही चैन मिलेगा, नदी जब तक सागर को अर्पित नहीं हो जाएगी शांति मिल नहीं सकती। तुम्हारी खुशी अपनी भर नहीं है, पड़ोस में लाश पड़ी हो तुम ठहाके नहीं मार सकते। गांव प्रसन्न है, मोहल्ला प्रसन्न है, पड़ोस प्रसन्न है, तुम भी प्रसन्न हो। इसलिए तुम्हारे ऋषियों ने कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग। इसलिए उन्होंने सर्वत्र का भला मांगा, उन्होंने प्राणियों में सद्भावना मांगी, उन्होंने विश्व के कल्याण की भावना की। ऐसे उदात्त भावों के ऋषियों की संतान। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।